رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم क्या लिखे मोहम्मद की शान में क्या लिखे मोहम्मद की शान में सब तो लिख दी अल्लाह पाक ने कुरान में मेरे काबिल कदर असातिज़ा इकराम और मेरे हमजमात साथियों अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आप हजरत के सामने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मौजू पर लबकशाई करने की जसारत करना चाहती हूँ। जहाँ असर झुके वो मकाम खुदा का है, जहाँ असर झुके वो मकाम खुदा का है, जहाँ दे झुके वो मकाम मोहम्मद का है। जनाबे सदर, अल्लाह ने सारे नबियों में सबसे आला, सबसे अफजल और सबसे खूबसूरत जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती को पैदा फरमाया। मेरे नबी का खानदान क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने आदम की सारी औलाद में से अरब को चुना, अरब की सारी औलाद में से हुजर को चुना, हुजर की सारी औलाद में से कुरैश को चुना, कुरैश की सारी औलाद में से हाशिम को चुना, हाशिम की सारी औलाद में से अल्लाह ने मुझे चुना। मैं सबसे आला खानदान का हूँ, आली नसब का हूँ। मेरे अल्लाह ने मेरे 10 नाम रखे, मैं मोहम्मद में, अहमद में, माही में, हाशिर में, आकिब में, फातिमे में, अबुल कासिम में, दोहा। जनाबे सदर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सारे आलम के लिए भेजा, सारे इंसानों के लिए भेजा, सारे जिन्नातों के लिए भेजा। आपकी छोटी सी उम्र में जब आप 70 के पास से गुजरते थे तो आवाज आती थी सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जब आप रब के पास से गुजरते थे तो आवाज आती थी सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अपनी तकरीरी शेर के साथ खत्म करना चाहूंगी। एक कदम झुक जा अदब का मकाम आया है, एक कदम झुक जा अदब का मकाम आया है, तेरी नौकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है।